सच बताऊँ, जैसे मुझे कॉल आया कि बांटा के लिए, तो वो एक्साइटमेंट एक होती है ना बच्चों की तरह, बिकॉज हम सब ने आई थिंक लाइक लिटरली, मैं कोई भी ऐसे हिंदुस्तानी को नहीं जानती जिसने बांटा के जूते ना पहने हों बचपन में स्कूल में. हम सब ने पहने हैं हमारे, चाहे वो बांटा के वो ब्लैक वाले जूते हो, जो हमारे वाइट कॉन्वर्स शूज़ जो होते हैं, जो हमारे पीटी डेज पे हम लोग पहनते हैं. तो इट्स जस्ट कि एक बांटा से आई थिंक हम सबका बचपन से कनेक्शन है. तो अच्छा लगता है अगर आप इस एक ऐसे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने आए जिसके साथ आपकी एक मेमोरी और आपका एक पर्सनल अटैचमेंट होता है. हमारे एक एक्चुअली इंडो ब्रिटिश फिल्म स्टार्ट होने वाली थी जो अभी नवंबर एंड में होनी थी, बट बिकॉज उनका प्री प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट, तो प्रोडक्शन में अभी जाने में टाइम है. तो नाउ आई थिंक फेबरी के अराउंड वो फिल्म स्टार्ट हो गई. एक्चुअली उससे बेटर अब मेरी मेमोरी बन रही है, क्योंकि तब हमारे पास हम लोग जस्ट वाइट होते थे शूज़ या ब्लैक होते थे, लड़के हो या लड़कियाँ. अब बाटा के सेम जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो कॉन्वर्स बाटा के वाइट जो शूज़ होते हैं वो उन्होंने सेम अलग कलर्स में निकालने शुरू किए. तो आई जस्ट लाइक दैट हाउ बाटा फैशनेबल बन गया है बहुत ब्रांड. यू नो जैसे जो मैंने हील्स भी पहनी आज एक्चुअली बाटा की है. जी हाँ, बाटा की है. या एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई लाइक कि बाटा कैसे यू नो कहाँ से शुरू होके एंड कहाँ से इट्स टेकन, लाइक इट्स स्टिल द सेम. आपका वही वेरिएबल बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बट इट्स बिकम फैशनेबल नाउ. देखिए ये जूते तो मैं जूते मैंने वापस नहीं दे रही हूँ. मेल या फीमेल मैं बताती हूँ, मैं बहुत मतलब ही हूँ, सेल्फिश हूँ. तो मैंने इन्हें बोल दिया कुमार जी को, मैं जूते ये मैं चोरी करके लेकर जा रही हूँ, कोई मैं भाग जाऊँगी इनमें तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं. और जहाँ जहाँ जो जो मेरे साइज का देखेगा मैं ऐसे चुपके से बैग में रख के देखा. सब वो बोल अभी बोल रहे हैं, आप देखिए कैमरा पे बोला है ब्रेकिंग न्यूज़, अगर मुझे चार पाँच जोड़ी ना मिले तो मैं आपको कॉल करके बताऊँगा. ऑफ कोर्स.